शिव भाई राम राम नमस्कार परम दोनों चैनल पर शिव स्वागत है। वेलकम, मैं विजेंद्र सिंह आज खासी वीडियो लेके आ गए हैं आपका जयपुर से संबंधित, राजस्थान और राजस्थान से संबंधित, सीए से संबंधित और कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित। काफ़ी भाई हैं वह बोलते हैं सर आप कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित या सिक्योरिटी से संबंधित के अलावा कोई भी वैकेंसी नहीं लेके आते हैं, तो आज हम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी लेके आ गए हैं, वह भी फ्रेशर और एक्सपीरियंस होल्डर दोनों कैंडिडेट के लिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें लास्ट तक। और ये सीए के लिए है, सीए से संबंधित ये जो एक्सपीरियंस होल्डर है जो वह भी कैंडिडेट इसमें चलेगा और नॉन एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट वह भी चलेगा। तो वीडियो में एंड तक देखें, पूरा वीडियो आपको मैं क्लियर कर दूंगा स्टेप टू स्टेप। इसमें आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट, सर्विस, वर्क, ड्यूटी, सैलरी, हर बात आपको मैं क्लियर करूँगा। तो आपको स्टेप टू स्टेप सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास में रिज्यूम होना आवश्यक है, आधार कार्ड, फोटो, अकाउंट डिटेल और वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगे होने चाहिए। और क्वालिफिकेशन में आप कम से कम 10+2 12th पास होना आवश्यक है, या बीकॉम या एमकॉम जो भी सीए कोर्स से संबंधित, कॉमर्स से संबंधित आपके पास में डिग्री हो उसके अकॉर्डिंग। तो इस जॉब में जो भाई जाना चाहता है वह भाई मेरे को ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज करना है, इस वीडियो का चालू कंडीशन में फोटो लेकर मेरे को व्हाट्सएप करना है और स्क्रीनशॉट लेने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, आधार कार्ड की दोनों तरफ से फोटो व्हाट्सएप करना है। ओनली फॉर आपसे मैंने 3 फोटो मांगा है। आगे की डिटेल मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगा और जो वीडियो में मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ वह मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज करूँगी, आगे मैं क्लियर कर दूंगा। इसके अंदर आपको सुरेश जी सर हैं उनका आपको नंबर मैं व्हाट्सएप भी मैं दे दूँगा, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा। और जो लगभग क्लियर है मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, इसके अंदर आपको क्लियर कर देता हूँ। सर्विस के अंदर आपको कोई पीएपीएसआई वगैरह की कोई सर्विस नहीं मिलेगी, ओनली फॉर आपको सैलरी मिलेगी। वर्क रहेगा वह सीए से संबंधित प्लस कंप्यूटर के संबंधित रहेगा, इसके अंदर अपने को वीकली ऑफ जरूर मिलेगा अपने को। तो और इसमें एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट हैं वह भी चलेंगे, नॉन एक्सपीरियंस भी चलेंगे, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ड्यूटी टाइम है वह ऑफिस टाइम से संबंधित ही रहेगा, जैसे अपना 9 से 6 8 से 5 जो भी होता है ऑफिस टाइम, वैसे ही अपना सीए से संबंधित जो काम होता है उसके अकॉर्डिंग ही ऑफिशियल टाइम ही अपना ड्यूटी टाइम रहेगा, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। और इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद में उनका सैलरी बताया जाएगा फिक्स। मिनिमम से मिनिमम मैं यही बोल सकता हूँ कि 8,000 रुपये से मिनिमम सैलरी स्टार्ट रहेगी। मैक्सिमम आपके इंटरव्यू पे और आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करेगा आप कितनी सैलरी तक जा सकते हैं। इसमें आपको 1-2 लाख रुपये तक की सैलरी मिल सकती है, ये भी मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। और इसमें नॉर्मली ये मान चलिए 30-40 हज़ार रुपये तो नॉर्मल से नॉर्मल सैलरी आपकी रहेगी, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लेकिन काम है वह कंप्यूटर से संबंधित और सीए से संबंधित ही रहेगा, जैसे जीएसटी फाइल है, रिटर्न है, जो भी एक्स वाई जेड। तो और अब बात आती है फ्रेशर कैंडिडेट की, फ्रेशर कैंडिडेट को काम तो आता नहीं है, तो उसके लिए उसको एक स्पेशली डिग्री डिप्लोमा दिलाया जाएगा, उसके लिए उसको कोर्स करना पड़ेगा 3 महीने का, यह पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। 3 महीने का कोर्स करने के बाद में उसको जो प्रोवाइड करवाया जाएगा, पहले आपको 3 महीने का वो कोर्स करना होगा, उसके साथ साथ रनिंग आपको प्रैक्टिकल साथ में चलेगा। तो प्रैक्टिकल में आपको क्या सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है वो आपकी इंटरव्यू पे डिपेंड होगा या आपके जो सीनियर्स हैं उस पर डिपेंड रहेगा। लेकिन मैं ये क्लियर कर देता हूँ जो कोर्स होगा उसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। काफ़ी भाई बाद में बोलेंगे सर आपने बताया नहीं था, तो उसका जो चार्ज है वह आपको इंटरव्यू में क्लियर हो जाएगा, या सुरेश जी सर का जो मैं आपको नंबर दूंगा व्हाट्सएप, मेरे को व्हाट्सएप करोगे तब, तो उसमें आप सुरेश जी सर से हर बात स्टेप टू स्टेप क्लियर कर पाओगे कि सर हमें कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, कैसा क्या रहेगा। तो इसमें जो नॉन एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट है उन्हीं के लिए है ये बात, वह अपना लाइफ जो कंप्यूटर वर्क या सीए लाइन में जो अपनी लाइफ सिक्योर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है ये कि वह कैंडिडेट अपना सीए से संबंधित वर्क क्लियर कर सकें और डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद में आगे का वो ऑफिशियल रनिंग काम अपना कर सकेंगे। लेकिन ये 3 महीने का जो कोर्स है वह आपको करना ही पड़ेगा, ये मैं क्लियर कर देता हूँ जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए। और उनका जो चार्ज है वह भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ये है मैं लगभग आपको बातें मैं क्लियर कर चुका हूँ, और जिसमें डॉक्यूमेंट, सर्विस, वर्क, ड्यूटी और सैलरी से संबंधित। और आपको लोकेशन लगभग लगभग जयपुर या राजस्थान रहेगी,
लेकिन यदि आप बोलोगे आउट ऑफ स्टेट में, तो आउट ऑफ स्टेट भी आपको मिल जाएगा काम, लेकिन आउट ऑफ स्टेट की मैं श्योरिटी नहीं देता हूँ आपको, राजस्थान में आपको कन्फर्म काम मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी रहेगी, इसमें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। और ओनली फॉर कंप्यूटर वर्क और सी ए से संबंधित, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं लगभग बातें आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ। और इस जॉब में जो भाई जाना चाहता है, वह भाई इस वीडियो का चालू कंडीशन में स्क्रीन शूट लेना है। स्क्रीन शूट लेने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और आधार कार्ड के दोनों तरफ से फ़ोटो व्हाट्सएप करना, बस मात्र 3 फोटो आपसे मैं जो मांग रहा हूँ वही ओनली मेरे को व्हाट्सएप करना है। और उसके बाद में आप व्हाट्सएप करने के बाद में मैं आपको सुरेश जी सर का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इतनी जानकारी दूंगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से तैयार रहना, तब तक के लिए शिव भाई ईश्वर आराम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।